हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिकित्सा कन्वर्सेशन। टुडे वी आर डिस्कस सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ पोर्कोलिटिक सेल। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ पोर्कोलिटिक सेल, जिसमें आपने देखा था कि एन एसिटाइल ग्लूकोमास रामायण आया था, एन एसिटाइल ग्लूटामाइन आया था, पॉलीसेकेराइड्स आया था, है ना, सेल वाल आया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया था, ये सब आप जान चुके हैं। ठीक है, तो ओके, आप इसको अगर पढ़ाते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ पोर्कोलिटिक सेल आप देखते हैं कि फ्लैजिला होता है, पाइली होता है और फिमरी होता है। देखिए, फ्लैजिला, पायली और फिमरी, ये सब तीनों जो है ना अलग अलग टर्म है। हालांकि तीनों का काम भी अलग अलग है, तीनों दिख रहे हैं अलग अलग। तो फ्लैजिला क्या होता है, पायली क्या होता है, फिमरी क्या होता है, आज बात करते हैं। देखिए, फ्लैजिला जो होता है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आप जान चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कहते किसको है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या आएगा, यानी कि ऑल मोनेरा ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? तो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, वहां फ्लैजिला दिखेगा। फ्लैजिला बना क्या होता है? तो फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिंग प्रोटीन। फ्लैजिंग प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिला। पार्ट ऑफ फ्लैजिलम, फ्लैजिलम का पार्ट क्या है? देखिए, फ्लैजिला इज द प्लूरल वर्ड, बट फ्लैजिलम इज द सिंगुलर। यहाँ सिंगुलर प्लूरल का बात चल रहा है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ फ्लैजिलम आप देख रहे हैं कि बसल बॉडी है, हुक है और फिलामेंट है। तो ये आपका रहा फ्लैजिला का। हालांकि फिमरी अलग होता है, फ्लैजिला अलग होता है, सिलिया अलग होता है। तो इसी प्रकार आप यहाँ फ्लैजिला भी देखें। फ्लैजिला क्या देखें कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, जो कि मेड अप होता है फ्लैजिल प्रोटीन का बना होता है। इसका तीन पार्ट होता है, बेसल बॉडी होता है, हुक होता है और फिलामेंट होता है। ओके, क्लियर। अब आगे बात करते हैं पायली के बारे में। पायली क्या होता है? पायली नथिंग बट इज अ ट्यूबुलर एक्सटेंशन। ट्यूबुल के तरह निकला हुआ इस तरह निकला रहेगा, डायग्राम देखेंगे, है ना। तो पायली क्या? ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ बैक्टीरियल सेल मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, जिसको बोलते हैं पायली प्रोटीन। देखिए, फ्लैजिला बना हुआ था फ्लैजिल प्रोटीन का, जबकि हमारा पायलिन क्या है? पायली जो बना हुआ है हमारा क्या है? पायलिन प्रोटीन का बना हुआ है, जो कि हेल्प करता है कंजुगेशन में। देखिए, जब आप आगे क्लास में पढ़ेंगे तो क्या दूसरे में क्या होता है, तो कंजुगेशन में आप देखेंगे कि बैक्टीरियल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान, कंजुगेट कर दिया, यानी कि इसका अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होगा बैक्टीरियल सेल का, वो चला जाएगा किसमें? दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे कि कंजुगेशन हो रहा है। क्लियर? तो ये हो गया पायली क्या होता है, ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ बैक्टीरियल सेल है, जो मेड अप होता है पायली प्रोटीन का होता है, जो कि हेल्प करता है कंजुगेशन में, हेल्प करता है। क्लियर? तो फ्लैजिला समझ में आ गया, पायली समझ में आ गया, और एक फिमरी है। फिमरी क्या करता है? स्मॉल फाइबरस प्रोजेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल हेल्प इन अटैचमेंट विद रॉक्स एंड होस्ट टिश्यू। देखिए, जितने भी तरह का बैक्टीरियल सेल है, कोई चट्टान से हो, रॉक से अटैच हो, या इवन आप लगातार देख रहे हो कि होस्ट टिश्यू के रूप में किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल के रूप में अटैच हो, तो वहां पे क्या करेगा? फिमरीज वगैरह। इवन याद रखिए, फिमरीज जो होता है बैक्टीरियल सेल में, जो बैक्टीरिया अपने अपने रिप्रोडक्शन भी करता है, वो यानी कि वो अपने नंबर को भी बढ़ाने के भी प्रोसेस करता है, तो वहां को फिमरी हेल्प करता है। फिमरी के द्वारा वो अटैचमेंट पकड़ लेता है उसको। तो वही हासिल में लिखा है, फिमरी क्या होता है? द स्मॉल फाइबरस प्रोजेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल हेल्प इन अटैचमेंट विद रॉक्स एंड होस्ट टिश्यू। होस्ट टिश्यू का मतलब होता है कोई दूसरा टिश्यू में। अब आइए बात करते हैं अपन लोग क्रोमेटोफोर। आप देख रहे हैं कि एक वर्ड आया नया है, जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। देखिए, क्रोमा में होता है क्या? पिगमेंट होता है। क्रोमा में जो शुरू से बात जानते हैं क्या होता है? पिगमेंट होता है। पिगमेंट मीन्स इट मीन्स कलर होगा उसमें। कोई भी कलर को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, या तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक वगैरह ही करके कर सकता है। यहाँ देखिए, क्रोमेटोफोर का मतलब होता है पिगमेंट कंटेनिंग मैक्रोसोम इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। यानी कि जितने भी तरह के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, उसमें क्या आएंगे? क्रोमेटोफोर आएगा। अब क्रोमेटोफोर आपको दिखा है किसमें? मेजोसोम। अब मेजोसोम क्या बताया था मैं आपको? मेजोसोम होता है एनर्जी प्रोवाइड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। जैसे कि एग्जांपल में बात करें, आई फोर रेस्पायरेशन में क्या करेगा? ये आपको मेजोसोम हेल्प करेगा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उभार होता है, एक्सटेंशन होता है, है ना। तो मेजोसोम किसमें दिखता है? प्रोकैरियोटिक सेल में दिखता है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हो गया बैक्टीरियल सेल में दिखता है। क्लियर है आपको? ओके,
वही करता है. क्रोमेटोफोर का मतलब क्या हुआ? पिगमेंट कंटेनिंग मेसोजोन्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट इज सियानो बैक्टीरिया. सियानो बैक्टीरिया का एक और नाम है, सियानो बैक्टीरिया का एक और नाम है जिसको बोलते हैं BZA. BZA का मतलब ब्लू, जी फॉर ग्रीन, ए फॉर एल्गी. तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है. तो ब्लू ग्रीन एलर्जी वगैरह में भी क्या है, फोटोसिंथेटिक जो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, ऑटोट्रॉफी भी होता है. इसका मतलब अपना अगर फूड खुद बना रहा है, खुद फोटोसिंथेटिक कर रहा है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया भी क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया आपके हेटरोट्रॉफिक होते हैं. क्लियर हुआ ना? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिगमेंट कंटेनिंग मेसोजोन्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक कर रहे थे. इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपना फूड वो खुद वो खुद तैयार कर रहे होंगे. जैसे प्लांट क्या है, प्लांट भी फोटोसिंथेटिक है, अपना फूड वो खुद तैयार करता है. रूट से वाटर लिया, मिनरल से लिया, सन से सनलाइट को लिया, है ना, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और फूड तैयार करता है लीफ में और वहां से क्या होता है फ्लोएम लगातार ट्रांसपोर्ट करता है. तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि क्रोमेटोफोर क्या किया, क्रोमेटोफोर इज नथिंग बट इज द पिगमेंट कंटेनिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल इन हेल्पिंग फोटोसिंथेटिक दैट इज साइनोबैक्टीरिया. यानी कि साइनोबैक्टीरिया भी क्या हुआ, ऑटोट्रॉफिक हुआ. ऑटोट्रॉफिक क्लियर. यहाँ बीजे का मतलब ब्लू ग्रीन एलगी हुआ. तो आज इतना ही छोड़ते हैं, लगातार आप बने रहिए. थैंक्स. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन. टुडे वी आर डिस्कस राइबोसोम्स एंड इंक्लूड बॉडी. आप देखे से पिछले कक्षाओं से लगातार आप लोग क्या है, लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, है ना. आपको कौन सा क्लियर हो रही होगी, अब कोई एनी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मुझे बेझिझक बताने का प्रयास करें ताकि मैं आने वाले क्लासों में लेक्चर में आपका जवाब का आंसर दे सकूं. क्लियर है? तो देखिए, पिछले क्लास में पढ़े थे सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, है ना. इसमें हम लोग बात किए थे फिमिडी की, बात किए थे पाइली की, बात किए थे, है ना, फ्लैजिला की बात किए थे. फ्लैजिला किस चीज का नाम होता है कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा मुझे. फ्लैजिला जो होता है किस प्रोटीन का बना होता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, लेकिन आपसे नहीं पूछ रहा हूँ. पहले क्या चीज कौन सा प्रोटीन का बना होता है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे. ओके, क्लियर. तो फ्लैजिला मेड अप ऑफ व्हिच प्रोटीन एंड पाइली आर मेड अप ऑफ व्हिच प्रोटीन का नाम दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए. क्लियर है? अब बात मैं करता हूँ राइबोसोम्स एंड इंक्लूडिंग बॉडी के बारे में. देखिए, राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन होता है. मैं बताया था आपको कि जब प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो उसमें बताया था मैंने कि 70 राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल होगा तो 80 राइबोसोम होगा और दोनों का दोनों सब यूनिट्स लार्ज सब यूनिट्स एंड स्मॉल सब यूनिट्स, लार्ज सब यूनिट्स एंड स्मॉल सब यूनिट्स. क्लियर है? अब बात करते हैं राइबोसोम. तो देखिए, राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है. इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा. ग्रेमुलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है जालीदार नुमा होगा. तो ग्रेमुलर स्ट्रक्चर फ्यूरियस कंटेनिंग प्रोटोप्लाज्म सेल. ये कहां दिखता है? प्रोटोप्लाज्म के सेल में फ्यूरियस कटेड होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है और ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ग्रेनुलर का मतलब होता है दानेदार नुमा, है ना, जिस लाइक दानेदार नुमा जिसको बोलते हैं ग्रेनुलर. और मेम्ब्रेनस नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है. चलिए अब आगे आइए. वही कहता है कि नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फ्यूरियस कटेडिंग प्रोटोप्लाज्म सेल द सेल. साइज की बात करोगे तो 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू था 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर था. 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर था. लोकेशन कहां दिखता है? तो दोनों में दिखेगा, चाहे आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करो चाहे आप यूकैरियोटिक सेल की बात करो, दोनों में दिखेगा. वो ही बता दिया कि साइज में बताया कि 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर होती है, लेकिन जब लोकेशन की बात करते हो इसको तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, यानी कि दोनों सेल में आपको क्या दिखेगा, राइबोसोम आपको दिखेगा ही. क्लियर? अब बात करते हैं कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल प्रोटोप्लाज्म 20 स्टैक का होता है. अब यस क्या है आप मुझे बताइए, आपको पता है इस क्या था, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट था. इसी का एक और नाम था क्या, इसी का नाम था स्वीट बॉक्स यूनिट नाम था, वही था. अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल का 2 सब यूनिट हुआ. 20S टाइप का हुआ, ये तो क्लियर है. 20S टाइप का 2 हुआ, एक को 50S दूसरा हुआ 30S. 50S जो होता है वो लार्ज सब यूनिट होता है, लेकिन 30S क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है. तो याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं ना,
आप क्या याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का 270s होता है, 70s में 200 यूनिट्स होती है, एक होती है 50s और दूसरा होता है 30s होता है। क्लियर? एज वेल एज यूकेरियोटिक सेल, तो यूकेरियोटिक सेल में देखिए साइटोप्लाज्म होता है और फिलामेंट्स होता है। साइटोप्लाज्म में बताया था आपको कि साइटोप्लाज्म इज जेल लाइक सब्सटेंस, इट इज द कंस्टिट्यूएंट आउटर साइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो आपको फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर, सेमी फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जेल लाइक दिखता है आपको, वो आप वहां पे ले आते हो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म 80s टाइप का, उसका 200 यूनिट, 60s और 40s, फिर 60s में भी होगा आपका लार्ज और 40 होगा आपका स्मॉल होगा। फिर उसी बात है सेल ग्रोथ आता है, सेल ग्रोथ में बात करोगे तो 70s टाइप का होगा। 20 टाइप में भी दो तरह का आएगा, एक आएगा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आएगा क्लोरोप्लास्ट। अब बताया था मैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इधर डबल लेयर, क्लोरोप्लास्ट इधर डबल लेयर एंड न्यूक्लियस एज वेल एज न्यूक्लियस सर डबल मेम्ब्रेन था। माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया इधर डबल मेम्ब्रेन, याद है सब आपको पता है डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट भी डबल डबल मेम्ब्रेन, दोनों में कैसा सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो चाहे क्लोरोप्लास्ट की बात करो, समझ में आ रहा है? वही तो आज का आपने हम लोग क्या देखा, आज के लेक्चर में एक क्लियर हो गई हमारा कि राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी साइज होती है 50 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर होती है, इट इज लोकेटेड इन द प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो 70s होगा, यूकेरियोटिक सेल होगा तो 80s होगा। 70s अगर होगा 200 यूनिट्स, 50s एंड 30s अगर यूकेरियोटिक सेल होगा तो 80s होगा, 80s में। अब यहां दिमाग में लगाएंगे कि यार तुम सर 80s होता है 60-40 कैसे होगा, ये है ना वो ऐड करने का, यहां लाल सब यूनिट्स चल रही है, यहां यहाँ को कन्विंस करना है, मानना है कि नहीं कि आप 60-40 जोड़ेंगे तो 100 तो आता है, लेकिन आपको याद रखना कि करेक्टिव सेल में जो 60-40 मिलने के बाद ही 80s बनता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा ना 70s टाइप था, 50s आया, 50s 30s आया, तो प्रोकैरियोटिक सेल हुआ एक लार्ज सब यूनिट, दूसरा स्मॉल सब यूनिट। उसी प्रकार यूकेरियोटिक सेल में भी क्या है, अगर साइटोप्लाज्म होगी वहाँ 80s टाइप का आएगा जो कि होगा 60s दूसरा होगा 40s। लेकिन यूकेरियोटिक सेल में वही सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, सेल ऑर्गेनल्स में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। तो सेल ऑर्गेनल्स में आपका माइटोकॉन्ड्रिया है तो भी क्या कितना है इसका 70s टाइप का रखेगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट भी आपका 70s टाइप का रखेगा। क्लियर? तो आज यही छोड़ते हैं राइबोसोम एंड न्यूक्लियस बॉडी, तो अब आने वाले लेक्चर में लगातार देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।